बुरहानपुर के उपनगर लालबाग की मामू कॉलोनी में सरकारी संपत्ति से बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के एक समर्थक ने आरोप लगाया है कि उनकी निजी संपत्ति से भी नगर निगम द्वारा बैनर पोस्टर हटाए गए हैं। वहीं जब यह मामला थाने तक पहुंचा तो वहीं एसएसटी टीम ने शिकायत के आधार पर इस मामले का पंचनामा बनाया है। बताया जा रहा है कि अमीरुद्दीन रजा ने शिकायत दर्ज की है कि उनके घर के बाहर लगे निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के बैनर नगर निगम के इंजीनियर द्वारा खींचकर फाड़ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निजी संपत्ति पर बैनर और पोस्टर लगे थे। वहीं इस मामले में नगर निगम का सब इंजीनियर ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि शासकीय संपत्ति को हम बैनर पोस्टर निकाल रहे हैं और इस दौरान गलती से बैनर निकाल दिया गया है। वहीं जब इस मामले में लालबाग थाना प्रभारी से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नगर निगम का कोई व्यक्ति आया और उसने डायरेक्ट पूछा नहीं परछा नहीं किससे और खींच के बैनर फाड़ दिया। बैनर फाड़ के सर ये बैनर फाड़ा, दूसरे बैनर को हाथ ही लगाया उसने। अच्छा, ये बैनर कहाँ लगा था? ऊपर दीवार पे लगा था। आपका घर है कि क्या है? घर है। कहाँ पे है आपका घर? मामू कॉलोनी गुलाबगंज। अच्छा, यहाँ पर निगम आयुक्त जो है अभी वर्तमान में, ये पूर्व में श्रीमती चिटनिस जी के ओएसडी रह चुके हैं जब वो मंत्री थे। लगातार उनके द्वारा हमारे झंडे बैनर ये निकाल करके फेंके जाने की शिकायत हमारे पास लगातार आ रही है, जिसको हमने दो तीन बार चुनाव आयोग में कलेक्टर बुरहानपुर को और बुरहानपुर एसडीएम को सबको शिकायत इस चीज़ की, लेकिन अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ वहाँ से दिलासा दिया जाता है कि हम लोग करेंगे जाँच कर रहे हैं, पर अब तक कुछ नहीं हुआ। और अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है तो चुनाव आयोग कब कार्रवाई करेगा? चुनाव होने के बाद में करेगा कार्रवाई होना चाहिए। या तो वो रवैया बदले या फिर उनको यहाँ से उनका तबादला किया जाए, जिससे कि कम से कम चुनाव निष्पक्ष रूप से। कार्यकर्ता किस तरह से आहत हो रहे हैं? कार्यकर्ता को तो बुरा लगता है जब कोई अधिकारी उसके घर पे आकर के झंडा निकाल के लेके चले जाता है, तो उसको तो लगता है कि मेरे नेता का झंडा मैंने अपने भाव से लगाया था। कुछ ने सरकारी संपत्ति पर जो बैनर पोस्टर लगे रहते हैं उनको निकालने के संबंध में उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति ली गई थी। एक दो बैनरों पर उनके द्वारा बताया गया था कि निजी जमीन कुछ पे है, तो उस पर आपत्ति ली गई थी, जिसमें फिर एसएसटी टीम आ गई थी, साथ में तहसीलदार मोदी भी आ गए थे, उनके द्वारा उसमें कंपना बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मामू कॉलोनी तरफ जनसंपर्क पर जा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने, जैसे अमीनुद्दीन रजा, ऐसे अनेकों लोगों ने स्वेच्छा से, सहमति से अपने घर पर हमारे हर्षवर्धन सिंह चौहान के बैनर पोस्टर लगाए थे। बाकी जैसे ही कुछ लोगों को पता लगा कि आज यहाँ पर दौरा होने वाला है उम्मीदवार का, तो हमारे बैनर पोस्टर फाड़ना प्रारंभ करा और वहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। फोन कर रहा है इसका प्रत्यक्ष, फोन कर रहा है नगर निगम के माध्यम से, केवल हर्षवर्धन के ट्रक चुनाव चिन्ह के बैनर पोस्टर ही निकाले जा रहे हैं। अब कौन निकाल रहा है ये आप जानते हो? किसी नगर निगम कर दिन निर्वाचन अधिकारी को तहसीलदार रामजी पकारे ने अभी यहाँ पंचनामा बनाया और जिसने निकाले उसको भी पकड़ के लाए थे और उसने स्वीकार किया कि मेरे से त्रुटि वश निकल गया। बाकी ये तो पकड़ा गया तो त्रुटि किसके? नगर निगम का सौरभ वर्मा करके सब इंजीनियर है। इंजीनियर है, सब इंजीनियर। अच्छा,